हेलो गाइस, वेलकम टू रोजाना ऑनलाइन सीखे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मान लीजिएगा आप कहीं पर अपना वाहन, बाइक, कार या फिर कुछ भी लेकर जा रहे हैं और अचानक से कोई आपकी बाइक या फिर वाहन आपका छीन लेता है, तो आप किस तरह से प्रूफ करेंगे कि आपके ये जो वाहन है ये आपका ही है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास RC या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता है जिससे आप प्रूफ कर पाएँ कि जो वाहन आप चला रहे हैं वो आपका ही है या फिर किसी और का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हमारे बनाने का उद्देश्य यही है कि किस तरह से आप अपने मोबाइल से चेक करा सकते हैं कि आपका वाहन जो है आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे ग्रुप पर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल की वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो आपको एक लाल कलर का ये बटन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इसके बराबर में जो ये बेल का नोटिफिकेशन है इस पर भी क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर देना है, जिससे हमारी फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, आपको आना होगा अपने मोबाइल के किसी एक ब्राउज़र पर और आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ही टाइप करना है, एम परिवहन। तो जैसे कि आप एम परिवहन लिख के सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर इस तरह का थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, DL RC स्टेटस। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, जैसे कि मान लीजिएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट होता है UP 04, तो आपको ये फर्स्ट वाले में वो डाल देना है और लास्ट वाले ऑप्शन में आपको अपने 4 डिजिट का नंबर डाल देना होगा। तो उसके बाद आपको नीचे एक वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये जो आपको वेरिफिकेशन कोड दिखाई दे रहा है ये इस बॉक्स में फिल करना होगा और इसके बाद आपको चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना होगा। चलिए मैं अपना गाड़ी का नंबर इसमें डाल के आपको चेक स्टेटस पर क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। अब दोस्तों, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा आपका जो RTO ऑफिस है वो आपका आ जाएगा और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आपके वाहन के जो नंबर प्लेट पर नंबर लिखा हुआ होगा वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपका चेसिस नंबर के बाद आपको नीचे ओनर नेम यानी कि आपका नाम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको व्हीकल क्लास यानी कि आपकी बाइक या फिर कार किस कंपनी की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मेकर मॉडल जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी फिटनेस कब तक वैलिड है ये भी दिखाई दे जाएगा। फ्यूल टाइप भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका इंजन नंबर, आपका फ्यूल टाइप और आपका इंश्योरेंस कब तक वैलिड है ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसी तरीके की जानकारी हमसे रोजाना लेना चाहते हैं तो रोजाना ऑनलाइन सीखे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।